हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं नेचुरल टिप्स एंड रिव्यू। दोस्तों, जितनी भी कमेंट्स मेरे पास आती हैं उनमें से ज़्यादातर यही होता है कि हमने स्टेरॉयड क्रीम का इस्तेमाल किया था, उसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, यहाँ तक कि किसी किसी की नसें भी दिखने लग गई हैं। उसके अलावा स्किन पर दाने निकल आए हैं और स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, हमेशा रेड रहती है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो आज की वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी टिप्स दूंगी जिसके ज़रिए आप अपनी स्किन को रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, कोई भी चमत्कार नहीं होता है अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और पतली हो गई है। जो स्किन की ऊपरी लेयर होती है उसके निकल जाने से आपकी स्किन का ये हाल होता है। स्टेरॉयड क्रीम क्या करती है, आपकी स्किन की जो ऊपरी लेयर होती है, जो आपको धूल धूप प्रदूषण से बचा करके रखती है, वो लेयर निकल जाती है। इसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने लग जाती है और आप सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन ब्लैक और रेड हो जाती है। तो इन तीनों घरेलू टिप्सों के कारण हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो ऊपरी लेयर निकल चुकी है जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, तो उस ऊपरी लेयर को लाने में हेल्प कर सकते हैं आप। इस तीनों टिप्सों के कारण आपकी स्किन की रिपेयर हो सकती है आपकी स्किन, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रहेगी जैसे पहले थी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जैसी चीज़ होती है वैसी दोबारा आ जाए, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं अपनी स्किन को ठीक करने की। काफ़ी लोग क्या करते हैं, उनकी स्किन वैसे ही सेंसिटिव हो जाती है और फिर जो कोई भी कुछ भी बताता है वही और ज़्यादा क्रीमें यूज़ करने लग जाती हैं, उसकी वजह से उनकी स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव होने लग जाती है और भी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। तो ज़रूरत ये है, जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और ख़राब हो चुकी है तो आप उसको रिपेयर करें, यानी कि ठीक करें। जब आपकी स्किन ठीक हो जाए फिर आप उसके बाद कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपकी स्किन ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जब आप कुछ भी यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन पर कोई भी चीज़ रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि आपकी स्किन ख़राब हो चुकी है, अंदर से उसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, आपकी स्किन में जान नहीं रही है। तो अपनी स्किन में जान डालने के लिए आपको ज़रूरत है कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ की जो साइड इफ़ेक्ट भी ना करें और आपकी स्किन में जान डालें, यानी कि आपकी स्किन को रिपेयर करें, पहले जैसा करने में हेल्प करें। तो फिर आज की वीडियो में हम देखेंगे इन्हीं तीनों टिप्सों के बारे में। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपकी स्किन की रिपेयरिंग के लिए दोस्तों मेरी पहली टिप्स है नारियल का तेल। नारियल के तेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी और साथ ही साथ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। नारियल के तेल में इतने गुण होते हैं ना, अगर आपकी स्किन कहीं से जल गई है, अगर आप रेगुलर वहाँ नारियल के तेल को लगाते हैं तो जले का निशान तक ठीक हो सकता है। तो स्टेरॉयड क्रीम के साइड इफ़ेक्ट क्या चीज़ है, लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है, जो स्किन के लिए नारियल का तेल होता है आपको वो इस्तेमाल करना है, बालों के लिए जो नारियल के तेल होते हैं आपको उसका इस्तेमाल अपने फेस पर नहीं करना है। आपको रात को जब भी आप सोने जाओ अपने फेस को वॉश कर लें। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और पतली रेड हो चुकी है तो आपका यूज़ नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा केमिकल वाले फेस वॉश का भी यूज़ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा माइल्ड फेस वॉश हो उसका यूज़ करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स वाले फेस वॉश का या सॉप का यूज़ करते हैं तो उससे आपकी स्किन और भी ज़्यादा ख़राब होती जाती है, निकलती जाती है, इससे आपकी स्किन और ज़्यादा पतली होती जाएगी। तो माइल्ड फेस वॉश का यूज़ करें, अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद अपनी स्किन को ड्राई होने दें। ड्राई हो जाए आपकी स्किन तो थोड़ा सा नारियल का तेल लेकर के अपने स्किन पर 3 से 4 मिनट मसाज करें, रात भर ऐसे ही छोड़ दें, और मॉर्निंग में सनस्क्रीन जरूर यूज़ करें जिससे आपकी स्किन और ज़्यादा रेड ना हो और ज़्यादा सेंसिटिव ना हो। तो पहली टिप्स तो दोस्तों मेरी ये है, आपको रेगुलर नारियल का तेल अपने चेहरे पे लगाना है रात को सोने से पहले। ये आपकी स्किन को रिपेयर करेगा, जो आपकी स्किन की परत निकल चुकी है उसको दोबारा लाने में हेल्प करेगा, रेडनेस नहीं होने देगा, साथ ही साथ जो दाने निकल रहे हैं आपकी स्किन पर उनको भी ख़त्म करेगा, और आपकी स्किन पर अगर ब्लैक हो गई है तो उसको भी रिमूव करके आपके जो नेचुरल कलर है उसको लाने में हेल्प करेगा। इसके साथ ही मेरी दूसरी टिप्स है आलू और कच्चा दूध। आपको आलू को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लेना है। थोड़ी सी ही क्वांटिटी में आपको आलू का रस लेना है, जितना आप अपने फेस पर लगा सकें, और थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको लेना है कच्चा दूध। दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के किसी भी बाउल में अच्छे से मिक्स कर लें और कॉटन की हेल्प से अपने फेस पर लगाएं। रात को आप जब भी सोने जाएं अपने फेस को किसी भी माइल्ड फेस वॉश से वॉश करने के बाद में जब आपकी स्किन ड्राई हो जाए तो आपको कच्चे दूध और आलू का जो रस तैयार किया है आपने अपने फेस पर लगा लें और रात भर ऐसे ही रहने दें। आलू में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, साथ ही साथ विटामिन ए, विटामिन सी और जिंक पाया जाता है। जिंक धूप की वजह से जो आपकी स्किन ब्लैक पड़ जाती है, रेड पड़ रही है, उसको रोकेगा, और विटामिन ए सी आपकी स्किन की रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। उसके साथ ही दूध में विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी, के, ई, इतनी सारी विटामिन, लैक्टोज पाए जाते हैं, ये भी आपकी स्किन की रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। आपकी स्किन पर जितना भी कालापन आ गया है या फिर रेडनेस है
उसे ख़त्म करते हैं और आपकी स्किन का जो पहला नेचुरल कलर था उसको लाने में हेल्प करते हैं। रेगुलर ऐसा करना है, एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है। एक महीने तक ऐसा करिए, आपकी स्किन आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर लगेगी। अगर आप रेगुलर हमेशा कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। आपको बाहर से कुछ भी नाइट क्रीम खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 शेड आपकी स्किन का टोन लाइट होगा, साथ ही साथ आपकी स्किन की रिपेयरिंग होगी। जितनी भी ख़राब हो चुकी है, जो भी ख़राब टिश्यूज़ हो चुके हैं वो ख़त्म होंगे और नए टिश्यूज़ बनेंगे, नए सेल्स बनेंगे आपकी स्किन के। उसके साथ ही यहाँ पर मेरी तीसरी टिप्स है, इसके लिए चाहिए आपको कीरा और एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप पतंजलि का जो केसर चंदन आता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग पतंजलि को नहीं पसंद करते तो वो नेचुरल एलोवेरा जेल ले सकते हैं। लेकिन जो खुद मैंने पर्सनली यूज़ किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो वो पतंजलि का जो केसर चंदन आता है वो आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी किसी को नहीं सूट करता है तो वो नेचुरल एलोवेरा जेल ले लें। तो अगर आप नेचुरल लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ लेना है आपको खीरा, खीरा को कद्दूकस कर लेना है। और अगर आपके पास मार्केट का एलोवेरा जेल है तो उसको जो खीरे का रस है उसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और अगर आपके पास नेचुरल है तो ये और भी अच्छी बात है, नेचुरल को निकाल लेना है जेल को, और उसको पीस लेना है खीरे को और एलोवेरा जेल को। जब वो पिस जाए तो उनका जो रस है उसको बना करके तैयार कर ले, अपने फेस को वॉश कर ले रात को सोने से पहले, और फिर इस पैक को लगा ले रात भर, ऐसे ही छोड़ दें। मॉर्निंग में आपको सनस्क्रीन जरूर यूज़ करनी है जिससे आपकी स्किन सेंसिटिव ना हो, ब्लैक ना पड़े। और ये जो हम नाइट पैक लगा रहे हैं ये अपना काम करता रहे। एलोवेरा में मिनरल्स, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, विटामिन ए सी ई, जिंक होता है। साथ ही खीरा में विटामिन ए, B1, B6, C, D होते हैं। इतने सारे विटामिन सी आपकी स्किन की रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं, आपकी स्किन का टोन लाइट करते हैं, आपकी स्किन पे जितनी भी प्रॉब्लम हुई है उसको ख़त्म करते हैं, स्किन पे जो रेडनेस आ गई है उसको ख़त्म करता है। तो फिर इन तीनों टिप्सों से आप कोई भी एक टिप्स रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। आपको वो टिप्स फॉलो करनी है जो आपके लिए रेगुलर ईजी हो उसको फॉलो करना, और रेगुलर आपको अवेलेबल भी हो जाए। जो भी फॉलो करें उसको रेगुलर करें, डे में सनस्क्रीन जरूर यूज़ करें। ऐसा करने से आप एक महीने ही करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपने स्टेरॉइड क्रीम कई कई साल तक यूज़ की है, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। टाइम तो लगेगा क्योंकि हमारी स्किन अंदर से डैमेज हुई होती है, टिश्यूज होते हैं वो अंदर से ख़त्म हो चुके होते हैं, दोबारा बनने में उनको कुछ टाइम लगता है। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर भी करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और जब तक आप इन पैकों का इस्तेमाल करें, कोई भी मार्केट की कोई भी कैसी भी क्रीम आपको अपने फेस पर नहीं यूज़ करनी है, करनी है तो सिर्फ सनस्क्रीन। आप मॉर्निंग में क्या करें, एलोवेरा जेल अपनी स्किन पर लगा लें, उसके बाद लगानी है आपको सनस्क्रीन। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि जितना आप कुछ भी अपनी स्किन पर यूज़ करेंगे, जब आपकी स्किन ख़राब है, रिपेयर नहीं हुई है, तो वो फ़ायदा तो नहीं करेगा, उल्टा और ज़्यादा नुकसान करेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।